पहला इंफॉर्मेशन क्या दिया कि हमको क्लाउड सही ढंग से क्रिएट करना है, दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया कि क्लाउड के क्रिएट करने का रूल क्या है सर, एसएस पीपी सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लुरल के साथ प्लुरल। दूसरा चीज क्या जानना है कि जिसके साथ हम वर्ब को एसोसिएट करके क्लाउड क्रिएट कर रहे हैं वो नाउन हमारा क्या हो सकता है, सब्जेक्ट माने डूअर भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट माने नॉन डूअर भी हो सकता है। तीसरी बात क्या देखा कि इस नाउन के जगह पर जरूरी नहीं है कि नाउन ही आए, प्रोनाउन आएगा, इन्फिनिटिव भी आएगा और जिरंड भी आएगा। क्लियर है ना, ये तीनों बात क्लियर है, नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन, क्लियर है। एक और बेसिक इंफॉर्मेशन आपको लेके चलना पड़ेगा कि ये जो वर्ब है जो नाउन के साथ एग्रीमेंट कर रहा है ये कभी अकेले नहीं होगा, ये कभी अकेले नहीं होगा, इसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग होगा ही। वर्ब दो कैटेगरी में होता है, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब होता है ना, तो ये जो वर्ब है वो कभी अकेले इटसेल्फ मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग जरूर रहेगा। तो इस वर्ब का मतलब क्या हो रहा है कि एक मेन वर्ब है प्लस हेल्पिंग वर्ब है, बात समझ रहे हैं ना, ये वर्ब हमारा कैसा है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब है या सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है, क्या कह रहे हैं कि ये जो वर्ब था जो नाउन के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, क्लॉज क्रिएट कर रहा है, बेसिक प्लेटफॉर्म ऑफ सेंटेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो इस वर्ब को ग्रामेटिकली हम लोग क्या कहते हैं, फिनाइट वर्ब। क्या कहते हैं, फिनाइट वर्ब। अब बताइए हम फिनाइट वर्ब कौन हो सकता है, मेन वर्ब कभी फिनाइट नहीं हो सकता है, उसके साथ हेल्पिंग का होना जरूरी है, और हेल्पिंग अकेले फिनाइट हो सकता है, हेल्पिंग अकेले एग्रीमेंट कर सकता है, लेकिन मेन वर्ब कभी अकेले एग्रीमेंट नहीं कर सकता है। क्लियर है, क्या क्लियर है, दोहराइए तो। हाँ, जैसे कह दिया क्या कि राम इज माय फ्रेंड, अब बोलिए तो राम के साथ किसका एग्रीमेंट हुआ, इज का, इज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब अकेले एग्रीमेंट कर सकता है लेकिन मेन वर्ब अकेले एग्रीमेंट नहीं कर सकता है। मेन वर्ब से कहते तो क्या हो जाता, राम हैज डन हिज वर्क, बात समझ रहे हैं। अब जब मेन वर्ब लिया डन तो क्या दिया साथ में है, अब देखिए इसको लेकर के थोड़ा सा क्लियर कंसेप्ट लेना बहुत जरूरी है, एकदम अलर्ट होकर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि इनडिफिनिट के मामले में आपको सतही तौर पर प्रीमा फेसी प्रथम दृष्टया ऐसा लग सकता है कि सर इसमें हेल्पिंग नहीं होता है। जैसे क्या कहते हैं, ही गोज, अब बोलिए ये तो प्रोनाउन है हमारा, सही है, नेमिंग वर्ड की जगह प्रोनाउन आ सकता है, नाउन की जगह प्रोनाउन आ सकता है, और ये तो गो क्या है, मेन वर्ब है ना, हेल्पिंग कहां है, सेंटेंस सही है कि नहीं है ना, सही सेंटेंस सही है, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब अकेले आ गया, और अभी मैं आपको क्या सिखा रहा था कि मेन वर्ब कभी अकेले फिनाइट नहीं बनेगा, एग्रीमेंट नहीं करेगा, ध्यान से समझिए। ही गोज कह दिया या कह दिया दे गो, क्लियर है, प्रेजेंट इंडिफिनिट सिंगुलर का और प्लुरल का, पास्ट इंडिफिनिट में क्या कहेंगे इसी को, दे वेंट, ये क्या है, वी टू है, ये क्या है, वी वन है, और ये क्या है, वी फाइव है, ये कहां कोई ऑक्सिलरी ले रहा है, बिना ऑक्सिलरी बिना हेल्पिंग क्या रहा है ना, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, इतनी देर से गलत कंसेप्ट दे रहा था कि मेन वर्ब अकेले फिनाइट नहीं होता है, मेन वर्ब कभी भी अकेले एग्रीमेंट नहीं, बिल्कुल सही था, इसी कंसेप्ट पर रहना, मेन वर्ब कभी भी अकेले फिनाइट नहीं हो सकता, मेन वर्ब कभी भी अकेले किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करके क्लाउज क्रिएट नहीं करता है, तो फिर ये क्या है, तो फिर ये क्या है, इसको एकदम हम लोग को क्या करना है, क्लियर कर देना है। कैसे क्लियर करना है कि इसका निगेटिव लो, क्या लो, इसका निगेटिव ले तो क्या हो जाएगा, ही ही बोलिए क्या हो जाएगा, ही
डजंट, डज नॉट ना, ही डज नॉट गो, इसका क्या हो जाएगा? दे, बोलिए, डू नॉट गो, हाँ ठीक है अभी तोड़ के बता रहा हूं, दे वेंट का क्या कर दीजिएगा? दे डिडेंट गो, क्लियर है? क्वेश्चन करते तो क्या हो जाता? डज ही गो, डू दे नॉट गो, या इसको करते क्वेश्चन तो क्या हो जाता? डिड दे गो, डिड दे नॉट गो, क्लियर है? ध्यान दीजिए बात को, यहां जो आपने कह दिया अफर्मेटिव में कि सर मेन वर्ब हमारा क्या है, एग्रीमेंट कर रहा है, ये गलत बात है। रूल यही है कि यहां डज नहीं है, ये क्या है, यहां गो नहीं, गोज नहीं है, ये रियली क्या था, डू प्लस वी वन था। जब हम निगेटिव में गए तो ये पियर हो गया, जब हम इंट्रोगेटिव में गए वो ये पियर हो गया। निगेटिव और इंट्रोगेटिव बिना हेल्पिंग के नहीं हो रहा है, क्लियर है ना? यहां भी हमारा सेंटेंस क्या था, ये रियली क्या था, फिर से दिखाता हूं, जगह कम पड़ गया। अब देखिए, जो आप कहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लिखते हैं ही गोज, ये रियल स्टेटस क्या है, ये है ही डज गो, ही डज गो। अब ही डज गो ये था तब ना आपने कहा कि क्या हो जाएगा इसका निगेटिव, ही डजंट गो, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डज ही गो, क्लियर है? तो परंपरा में ये बात आ गई कि इनडिफिनिट के मामले में, प्रेजेंट इनडिफिनिट के मामले में और पास्ट इनडिफिनिट के मामले में एक कस्टम है, ये प्रोटोकॉल है, ये रीति है, परंपरा है कि लोगों ने ऑक्सिलरी को लिखना और बोलना छोड़ दिया, लिखना और बोलना छोड़ दिया। जब हम निगेटिव करते हैं, समझ रहे ना, तब ऑक्सिलरी सामने आ जाता है, जब हम इंट्रोगेटिव करते हैं तो सामने आ जाता है। इसका मतलब कि अफर्मेटिव में भी वो है लेकिन अंडरस्टूड है, उसको लिखा या बोला नहीं जाता। इसको थोड़ा और विशेष रूप से समझिए ऐसे कि देखिए, ये जो आप इंडिफिनिट कह रहे हैं उसको मैं क्या कह रहा हूं कि ये डू प्लस वी वन है, और क्या है, डज प्लस वी वन है, और ये क्या है, डिड प्लस वी वन। ध्यान से समझिए, ये क्या है, प्रेजेंट का इंडिफिनिट है, और ये क्या है, पास्ट का इंडिफिनिट है। लेकिन जब आप इसको लिख रहे हो तो अफर्मेटिव में डू नहीं लिखा जाता है, अफर्मेटिव में डज नहीं लिखा जाता है, अफर्मेटिव में डिड नहीं लिखा जाता है, तो फिर पता कैसे चलेगा? डू और डज ही तो उसको सिंगुलर कर रहा था, डिड ही तो उसको पास्ट कर रहा था। तो इसका उपाय क्या निकाला कि इस भी वन में ही एस लगा दो, इसको भी फाइव कर दो, क्या कर दो, डू प्लस भी वन था तो डू गो होता, क्या होता, डू गो मत लिखो, डू को हटा दो, गो को गोज कर दो, क्लियर है? तो डू वाला में क्या रहेगा कि गो ही रहेगा, और इसमें क्या कर देगा, एस लगा देगा, गोज हो गया। अब डू प्लस भी वन की जगह क्या आता है, सिर्फ गो आ रहा है, डज प्लस भी वन की जगह क्या आ रहा है, गो जा रहा है, मतलब डज हटा दे रहे हैं और इसी को सिंगुलर बना दे रहे हैं, और डिड प्लस भी वन में क्या कर रहे हैं, इसको वेंट कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, क्लियर है? तो जहां आप गो लिख रहे हैं वो गो नहीं है, वो क्या है, टू प्लस भी वन है, वो क्या है, टू प्लस भी वन है, क्योंकि गो वाला को जब आप निगेटिव कर रहे हैं तो डू आ जा रहा है, गो वाला को जब इंट्रोगेटिव कर रहे हैं तो टू आ जा रहा है, गोज नहीं है, ये रियली क्या है, डज प्लस गो है, डज प्लस गो है, क्योंकि गोज को जब निगेटिव आप करते हो तो क्या हो जाता है, गोज को निगेटिव करते हैं तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, डज वाले को निगेटिव करते हैं तो गोज वाले को निगेटिव करते तो डज आ जाएगा ना। इसका मतलब क्या है कि रियल क्या था, डज प्लस वी वन था,
अफर्मेटिव में हमने इसको क्या लिख दिया, गोज लिख दिया। अब गोज का निगेटिव करते हैं तो क्या होता है, डज, डज नॉट, निगेटिव करते हैं तब ना, निगेटिव करते हैं तो क्या हो जाता है, डज नॉट। और ये वेंट वाले को निगेटिव करते हैं तो क्या हो जाता है, तो कहां से आ गया डिड, इसका निगेटिव करें तो कहां से आ गया डज, इसका निगेटिव करें तो कहां से आ गया डू, तो इसमें था, तो इसमें, लेकिन डू को हमने क्या कर दिया, अंडरस्टूड कर दिया, गायब कर दिया, और मेन वर्ब को ही डू वाला में जैसा था वैसा रहने दिया, डज वाला में क्या कर दिया, गोज कर दिया, डिड वाला में क्या कर दिया, वेंट कर दिया। ऐसा सिर्फ कहां हुआ, अफर्मेटिव में, कहां हुआ, अफर्मेटिव में। निगेटिव में जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव में जा रहे हैं, तो फिर डू, डज और डिड अपीयर हो जा रहा है। क्लियर है? अब हमको आप बताइएगा कि हमको कहना है राजू किताब पढ़ता है, क्या कहिएगा, राजू रीड्स। हमने कहा कि ये क्या है, पढ़ता है। राजू हमारा सिंगुलर है कि प्लुरल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में डू देते हैं कि डज, तो कहेंगे राजू डज रीड क्या, अ बुक, समझने के लिए लिखा है। लेकिन हम करते क्या है कि डज नहीं लिखते हैं, डज नहीं लिखते हैं और रीड में ही एस लगा देते हैं, और निगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजू डजंट क्या रीड अ बुक। उसी तरह से क्वेश्चन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डज राजू, ठीक है, नॉट रीड अ बुक। देखिए अब यही समझ लीजिए एकदम क्लियरिटी के साथ कि ये जो हमारा था कौन, रीड्स, ये वास्तव में रीड्स रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डज प्लस भीवन को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डज प्लस भीवन को, क्योंकि जब हम निगेटिव में आए तो हमको डज लेना पड़ा, इंट्रोगेटिव में आए तो डज लेना पड़ेगा, और यहां परमेटिव में भी ये क्या है, डज प्लस भीवन है, लेकिन हम यहां डज को हटा दिया और रीड में ही इस लगा दिया, तो ये जो रीड्स है वो इक्विवेलेंट है किसका, डज प्लस रीड का, डज प्लस रीड का।